जी हाँ, कुर्दुश उस्मान के सभी ट्रेलर्स जारी हो चुके हैं और अगली किस्त की मुकम्मल कहानी भी सामने आ गई है। इसके बावजूद कुछ सवाल अभी भी ऑडियंस के माइंड में चल रहे हैं, जैसे कि लुकास काइक बिल्ले क्या करने आया है, क्या उस्मान बे ने लुकास के साथ अमन मुआहदा कर लिया है, होलोफेरा जिसे औरहान बे ने शादी के दौरान अगवा किया था क्या एक बार फिर पकड़ी जाएंगी या उन्हें छुड़ाने कोई आएगा। इन सब सवालों के मुकम्मल डिटेल के साथ जवाब जानने के लिए ये शॉर्ट सी वीडियो लाजमी देखिएगा। कहते हैं कि इज्जत जिल्लत देने वाली जात अल्लाह की है। करासी बे जो कि उस्मान बे के बुगज में इस कदर मुब्तला थे कि उन्होंने मुकद्दस अमानतों के बारे उस्मान बे को बताना जरूरी ही नहीं समझा और शोहरत हासिल करने के नशे में खुद अकेले ही अमानतों के पीछे निकल पड़े। लेकिन उस्मान बे भी फिर अर्तुल गाजी के बहादुर फर्जंद हैं। उन्होंने एक ही झटके में अमानतें हासिल करके वजीर उमर के न सिर्फ हवाले की बल्कि करासी बे को भी काई कबीले बुलाकर खूब शर्मिंदा किया। यही वजह है कि करासी बे ने अब उस्मान बे की मुखालफत शुरू कर दी है और उन्हें जाल में भी फंसा लिया है। जैसा कि आपने देखा कि कारादिन किला उस्मान बे के हाथों छिन गया है। ताहम उस्मान बे और रहान बे ने होलोफेरा की शादी पर दावा बोलकर उसे वहां से छुड़वा लिया है। ताहम लुकास के आदमी होलोफेरा का पीछा करते जंगल तक आए और वहां उसे घेर दिया। व्यूअर्स, यहां एक चीज वाजे कर दें कि होलोफेरा यहां से बच निकलने में कामयाब हो जाएंगी और यहाँ अलाउद्दीन बे होलोफेरा और रहान बे की मदद को आएंगे। व्यूअर्स, वाजे कर दें कि यहाँ लुकास बड़ी चाल चलेगा और ना सिर्फ होलोफेरा की मुश्किलात बढ़ाएगा बल्कि काइयों के दरमियान भी फूट डाल देगा। गोंजा के गुस्सा होने की भी यही वजह है। जी हाँ, लुकास अब ये करेगा कि सिसिलिया जो होलोफेरा के साथ थी और उसने गोंजा को जहर दिया था उसे मारकर काई कबीले ले आएगा और उस्मान बे से कहेगा कि गोंजा को जहर होलोफेरा ने दिया है और सिसिलिया के थ्रू दिया है। जी हाँ, लुकास चाहता है कि भाई आपस में लड़ पड़े। जी हाँ, अलाउद्दीन जो औलाद खो बैठा था वो रहान बे को इल्जाम दे के होलोफेरा की वजह से ये सब हुआ। गोंजा के अलाउद्दीन से गुस्सा होने की भी यही वजह है। लेकिन वाजह कर दें कि बहुत जल्द सच सामने आ जाएगा और होलोफेरा बेगुनाह साबित होंगी। जैसा कि अब से पहले होलोफेरा पर एलजीएम की बाबी को जहर देने का इल्जाम लगाया गया था। व्यूअर्स, आपके ख्याल से होलोफेरा को बचाने कौन आएगा? कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।